गान गोभी के साथ चिकन चिकन मसाला। ये देखिए ये लास्ट वाला पार्ट है। अब स्टार्टिंग देखिए कितना डेलीजियस कितना स्वादिष्ट हुआ था। जो गान गोभी वाइल्ड कैबेज है ये चिकन धो के लिया हुआ था। ये आधा केजी से थोड़ी सी कम है। बहुत बढ़िया तरीके से 6-7 बार धो के निचोड़ के लिया था। ये प्याज काट के रखा। ये गान गोभी देखिए जो गांठ वाला गोभी होता है वाइल्ड कैबेज कश्मीरी गोभी होता है। ये प्याज बारीकी से बारीकी मीन्स थोड़ी बड़ा बड़ा करके काटा था। काट के गरम तेल में फ्राई किया था। ये चिकन डाला हुआ था। ये चिकन दे के फ्राई कर लिया। एक लेग पीस भी है और बाकी अदर्स पीस है। शेष वाला पीस थे बाकी। ये फ्राई कर लिया था और ये गान गोभी भी डाल दिया था वाइल्ड गेबेस कश्मीरी गोभी। ये देखिए कश्मीरी गोभी भी डाल दिया था और हल्दी नमक डाला हुआ है। ये देखिए एक टमाटर उसका गुटली फेंक के डाला हुआ था। गुटली से बहुत ज़्यादा खट्टा खट्टा बन जाता है। अच्छा नहीं लगता है। जो चिकन वाला स्पाइसी के जगह में ज़्यादा खट्टा हो जाता है। तो गुटली फेंक के बारीकी से धो के गुटली फेंक के ये डाला हुआ था काट के। ये जो मसाला होता है जो चिकन मसाला ये डाला हुआ था। चिकन मसाला डाल के फिर से फ्राई कर रहा था। क्योंकि चिकन कोई भी मीट जितना ज़्यादा फ्राई करोगे ना इतना ही थोड़ी सी फ्राई करके पानी डाल दोगे तो इतना स्वाद तो तब तो सूप का स्वाद आएंगे। लेकिन चिकन का स्वाद के लिए चिकन को फ्राई करना ज़रूरी है। ये फ्राई कर ही रहा था मैंने धीमी आँच में। हाँ ये बताना ज़रूरी है। तेल गर्म होने तक गर्म आँच में चिकन डालने तक हाई फ्लेम में और इसके बाद पूरा धीमी आँच में बना रही थी। पूरा एकदम लो फ्लेम में क्योंकि तब लग जाने का कढ़ाई में लग जाने का वो भी नहीं होता है डर भी जो जल जाने का चिपक जाने का। और अच्छा अच्छा फ्राई भी करो इधर उधर काम भी करते रहो बीच बीच में आके वो करो सलाते रहो चम्मच से। ये धनिया पत्ता भी थोड़ा डाला हुआ था। सही तरीके से धो के काट के धनिया पत्ता हालांकि 2-4 बार ही डाला था। थोड़ी सी पहले डाल लिया था बनाने ये जैसे आधा आधा पक गया था इस टाइम पे। ये देखिए थोड़ी थोड़ी करके धनिया पत्ता ये थोड़ा सा यूनिक टाइप का बनाया था। ये चिकन एक हाथ में मोबाइल पकड़ के शूट करने से क्या होता है वीडियो करने से तो हाथ थोड़ा इधर उधर चला जाता है पूरा पिक्चर नहीं आता है। ये देखिए कितने बढ़िया तरीके से हो गया है ये लास्ट में।